तो फ्रेंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो निकोन के जो भी मिररलेस कैमरे हैं Z50, ZFC, Z6, Z6 सेकंड, Z7, Z5 जो भी हैं XYZ, उसमें आप स्नैपब्रिज जो ऐप है वायरलेस, आप मोबाइल से उसको कैसे कनेक्ट करके आप फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हो और कैसे ऑपरेट कर सकते हो, आज के वीडियो में इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको लाइव दिखाएंगे भी लाइव ऐप डाउनलोड करके और जो ऑपरेटिंग है उसकी, कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको रिमोट फोटोग्राफी करनी है, जो भी पूरी सेटिंग्स वगैरह है कैसे सेटअप करना है, कैसे कनेक्ट होता है, और कोई दिक्कत आ रही है आपको स्नैपब्रिज से रिलेटेड, आपके जो भी मिररलेस कैमरा है उनसे स्नैपब्रिज कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसका भी मैं सलूशन आपको बताने वाला हूँ कि क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो हालांकि मैंने पहले भी स्नैपब्रिज का वीडियो डाला हुआ है, पर वो स्पेशली फॉर DSLR कैमरा के लिए डाला हुआ है कि DSLR कैमरा से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वो वीडियो जाए देखना है तो हमारे ही चैनल पे आपको वो मिल जाएगा। आज हम बताएंगे कि मिररलेस से कैसे आप अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फ़र्क आता है, वो भी आपको मैं लाइव दिखा दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया वीडियो। तो अभी हम जो मिररलेस कैमरा है उससे अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करके और वायरलेसली फ़ोटो डाउनलोड इसमें कैसे करनी है और कैमरे को ऑपरेट कैसे करना है, कोई भी मिररलेस कैमरा हो निकोन का, तो उसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, जो भी आपका स्मार्टफोन है उसमें आप प्ले स्टोर पर जाके जो एप्लीकेशन आती है निकोन की स्नैपब्रिज के नाम से, वो आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैं आपको लाइव इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो ये स्नैपब्रिज आपको स्पेस नहीं देना है, डायरेक्टली स्नैपब्रिज लिखना है छोटे अक्षरों में। ये लोगो है जैसा कि आप क्लियर देख सकते हो, थोड़ा सा मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये स्नैपब्रिज ऐप है और प्ले स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगी। 50 लाख इसके डाउनलोड है और 4.4 की रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी है। 35 MB इसका साइज़ मिलेगा। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रही है, खैर बहुत छोटी फाइल है, काफ़ी जल्दी इंस्टॉल हो जाती है। तो इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको ओपन करेंगे, थोड़ा सा मैं एक सेकंड, ठीक है। ओपन करते ही ये देख सकते हो आप, जैसे इसको ओपन किया है हमने, ये अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर मैं अलाउ पे क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद में ये कुछ लाइसेंस वगैरह है तो इनको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ तीनों को, और नेक्स्ट पे स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो स्टार्ट पे क्लिक कर दिया है। आप यहाँ पे जो भी स्नैपड्रेस के जो भी फंक्शनिंग है वो दिखाई हुई है, ये आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ भी सकते हो, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे फ़ोटो टैग करनी है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो इसको स्किप कर देता हूँ मैं यहाँ से। तो जैसे ही हमने स्किप किया इसको, तो ये डू नॉट मैसेज अगेन, अब ये देखिए कनेक्ट टू कैमरे का ऑप्शन आ गया है हमारे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, आप लिखा हुआ है कनेक्ट टू कैमरा, ये आप लाइव ही देख सकते हो। अब मैं लाइव आपको कनेक्ट करने से पहले दो तीन चीज़ें खास बताना चाहूँगा कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, कंपनी जो बोलती है कि आपके स्मार्टफोन, और जब भी आप स्नैपब्रिज यूज़ कर रहे हो, आपका स्मार्टफोन और आपका कैमरा, दोनों की बैटरी आपकी 30% से ऊपर होनी चाहिए, कैमरे की भी और स्मार्टफोन की भी, नहीं तो कनेक्टिविटी में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। सेकंड, कार्ड कैमरे में लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमने कार्ड नहीं लगा रखा और फिर हम सोचते हैं कि स्नैपब्रिज कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो खैर ये बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन कई बार होता है, मैंने कई केस देखे हैं ऐसे। तो कार्ड लगा हुआ होना चाहिए। और थर्ड, जो ये ऑटो मोड है, इससे हटा के आप प्रोग्राम मोड पे कर सकते हो। ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब भी आप मैनुअल इसको कंट्रोल करोगे अपने स्मार्टफोन से, तो ये मैनुअल पे होना चाहिए। MASP जो भी आप करना चाहो उस पे कर सकते हो। जैसे जिनको ज़्यादा सेटिंग वगैरह का पता नहीं है, जिन्होंने मैनुअल चलाया नहीं है, तो वो पी पे रख सकते हैं। अभी मैं पी पे रख के ही आपको बता देता हूँ। चलिए मैं मैनुअल पे रख देता हूँ, क्योंकि मैं शटर अपर्चर भी आपको सेट करके इसमें दिखाने वाला हूँ। इसलिए आगे एक सब्जेक्ट भी रख देता हूँ, जिससे आपको क्लियर पता लग सके, ठीक है। ये मैंने एक ये भी रख दिया है। कैमरा हमेशा ऑन होना चाहिए आपका, तो मैंने कैमरा ऑन कर दिया है। तो ये दो तीन सेटिंग तो कैमरे में करनी है। कार्ड लगा होना चाहिए, मैनुअल मोड पे आपका कैमरा होना चाहिए। आपको मैनुअल कंट्रोल पता नहीं है तो पी मोड पे आप रख सकते हो, ठीक है। तो मैनुअल मोड पे लगा दिया है और कैमरे को ऑन कर दिया है, और लेंस का जूम थोड़ा सा मैंने खोल दिया है, 24 mm पे कर दिया है 18 से,
तो ये बस दो तीन सेटिंग कैमरे में करनी है शुरू करने से पहले, और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग आपके स्मार्टफोन में। स्मार्टफोन में क्या सेटिंग करनी है वो बताता हूँ। तीनों चीज़ जो आपका वाईफाई है, आपका ब्लूटूथ है और आपकी लोकेशन है, ये तीनों ही चीज़ आपकी ऑन होनी चाहिए, लोकेशन, ब्लूटूथ और वाईफाई। अगर ऑन नहीं होती है तो भी कई बार दिक्कत आ जाती है, आपका स्मार्टफोन इसको कनेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, ये मेरी तीनों चीज़ ऑन है तो ये ऑन रखना है बस मोबाइल में, ये है। और 30% से ऊपर बैटरी होनी चाहिए, दो ही चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली है। और ये मैंने ऑन किया है, अब हमारे को इसमें करना क्या है मैं थोड़ा सा आपको लाइव दिखाता भी जाता हूँ साथ के साथ में। हल्का सा जूम कर लेते हैं, स्मार्टफोन को एक मिनट मैं साइड पर रख देता हूँ तो आप लाइव देख सकते हो। स्क्रीन को थोड़ा टिल्ट कर लेता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये मेरा कैमरा एम मोड पे है, ISO थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा मेरे को लाइट देने के लिए, तो ये आप क्लियर देख सकते हो। ठीक है, ये जो भी मेरा सब्जेक्ट है वो ये आ गया है। अब आपको करना क्या है, मेन्यू जो बटन है ये वाला, ये मेरे अंगूठे के पास देख सकते हो, आप मेन्यू बटन दबाओगे तो इसमें आपको जाना है सेटअप मेन्यू में, जो 5th नंबर का मेन्यू है, या सेटअप मेन्यू मान लीजिए आपके पास Z50 नहीं है या जो भी दूसरा कैमरा है तो उसमें हो सकता है सेटअप मेन्यू 4th नंबर पे आता हो, कई कैमरा में 4th नंबर पे भी आता है, ये ध्यान में रखना है। तो आपको सेटअप मेन्यू में जाना है, जो ये पाना टाइप का जो बना हुआ है अंगूठे के पास में, ये आप देख सकते हो। फिर इसमें जाने के बाद में आपको इसके अंदर जाना है। ठीक है, और जो भी सर एक सेकंड में पहले एक दो फ़ोटो कैप्चर कर लेता हूँ क्योंकि मैंने कार्ड फॉर्मेट किया था तो हो सकता है इसके अंदर कोई फ़ोटोज़ अभी ना हो, तो पहले मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको दो तीन फ़ोटोज़ इसमें कैप्चर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने 4 फ़ोटोज़ कैप्चर कर ली है। ठीक है, तो अब वापस हम जाते हैं, मेन्यू बटन दबाया, सेटअप मेन्यू में गए, और ये जब इधर ओके से इधर वाला बटन जब आप दबाओगे, यहाँ पे देख सकते हो आप, ओके से इधर वाला बटन मैं प्रेस करूँगा तो इसका मेन्यू, सेटअप मेन्यू खुल जाएगा। फिर इसके अंदर मेरे को नीचे जाना है, नीचे जाने पे वाईफाई या ब्लूटूथ से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। देखिए, जैसे एरोप्लेन मोड है, ठीक है, ऑफ है, कनेक्ट टू स्मार्ट डिवाइस है, कनेक्ट टू पीसी है, पीसी से भी आप कनेक्ट कर सकते हो इससे, वायरलेस हो गया, ऐसे कई सारे ऑप्शन आते हैं, तो आपको इनमें से कुछ नहीं छेड़ना है, बस कनेक्ट टू स्मार्ट डिवाइस पे आपको क्लिक करना है। ये आपने ओके किया, सॉरी ओके करना है, ओके किया आपने, अभी पेयरिंग ब्लूटूथ का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आप ये ऑफ दिखा रहा है आगे, फिर ओके करना है आपको, स्टार्ट पेयरिंग पे क्लिक करना है। स्टार्ट पेयरिंग पे जैसे ही आप करोगे तो ये आ गया है, देखिए इसका कोड आ गया है ZFC762850। ठीक है, इसको भी आपको यहाँ पे ही रखना है। ठीक है, उसके बाद में जो सेटिंग होगी वो फ़ोन की होगी, तो इसको अब मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। अब मैं मेरे स्मार्टफोन में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, थोड़ा जूम कम कर देता हूँ एक बार जो आप क्लियर देख सको। ठीक है, ये स्नैपड्रैगन हमने ओपन कर दिया था, तो इसमें मैं कनेक्ट टू कैमरे पर क्लिक करता हूँ। अब मेरा कैमरा इसमें से कौन सी रो में आता है वो देखना है, तो मेरा कैमरा है Z50 यहाँ पर आ रहा है। आपका अगर दूसरा कोई कैमरा है और वो ऊपर नीचे कहीं पर आ रहा है तो वो आप देख सकते हो, तो मैंने Z50 पे क्लिक कर दिया है। अब इसमें देखिए दो आते हैं, वाईफाई कनेक्शन और पेयरिंग ब्लूटूथ। ठीक है, तो अब हमारे को जाना है ऊपर वाले पे, पेयरिंग ब्लूटूथ वाले पे, और ओके कर देना है। ये कुछ अलाउ मांग रहा है लोकेशन वगैरह, तो ओके। ठीक है, अब ये हमारा 500 जो Z50 जो था उसका कोड आ गया है, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कनेक्ट टू कैमरा का अब ये सर्चिंग कर रहा है कैमरा कनेक्ट करने के लिए। अब ये बोल रहा है कि ओके बटन आपको प्रेस करना है कैमरे में पेयरिंग करने के लिए, तो ये इसका पेयरिंग कोड आ गया है, तो यहाँ पे मैं अलाउ कर दूंगा और इसको पेयर पे क्लिक कर दूंगा तो ये पेयरिंग हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं होगा क्योंकि मेरे को कैमरे में भी ओके करना पड़ेगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये ओके और कैंसिल का ऑप्शन आने लग गया यहाँ पे, तो ये मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए पेयरिंग कम्प्लीट दिखा रहा है आपके सामने, अब यहाँ पे मेरे कैमरे की पेयरिंग कम्प्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब मेरा कैमरे से कुछ भी काम नहीं है क्योंकि कैमरे का मेरा जो वर्क था वो लगभग हो गया है। अब जो काम बचा हुआ है वो मेरे मोबाइल का ही बचा हुआ है, मतलब जो भी कनेक्टिविटी करनी, ऑपरेट करना है जो भी है, तो मैं कैमरे को साइड में कर देता हूँ। अब जो भी करेंगे हम मोबाइल से ही करेंगे, तो ये मैंने ओके कर दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन आता है ऑटो लिंक, ऑटो लिंक अभी ऑफ है,
आप ऑन कब कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने यूज़ कर लिया फिर कैमरा बंद कर दिया, वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह बंद नहीं किया है, तो ऑटो लिंक अगर आपका ऑन है तो वो जैसे ही आप कैमरे को वापस ऑन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली भी आप स्नैपड्रैगन जैसे ही ओपन करोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ऑटो लिंक हालांकि अभी मेरा ऑफ है, ठीक है, तो मेरे को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ये बाकी और भी जो फीचर वगैरह है वो बता रहा है, तो मैं इनको कैंसिल कर देता हूँ। अब देखिए दूसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है डाउनलोड पिक्चर, तो डाउनलोड पिक्चर पे मैं गया, मैंने ओके किया, तो अब ये वाईफाई से कनेक्ट होगा। पहले हमने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया था, अब जैसे आप डाउनलोड पिक्चर के ऑप्शन पे जाओगे तो ये वाईफाई कनेक्टिविटी आपसे मांगेगा। ठीक है, तो हमने जैसे ही ये किया तो यहाँ पे आ गया कि कनेक्ट करना है, तो ये कनेक्ट स्नैपड्रैगन से, तो मैंने कनेक्ट पे क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया तो अब जो भी फ़ोटोज़ देखिए, दो तीन फ़ोटो हमने आपके सामने लाइव कैप्चर करी थी, ये वाली, ये पहले से इसके अंदर कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ रखी हुई है, और ये दो तीन फ़ोटोज़ और आ गई, ये आपके इस कैमरे के अंदर है, ये आपके इस कैमरे के अंदर है जो हमारे मोबाइल में शो कर रहा है। अब इसमें से जो जो फ़ोटोज़ मेरे को लेनी है तो ये मैं क्लिक कर लूँगा। आप मल्टी 100, 200, 500 भी कर सकते हो, जितनी आप करना चाहो सिंगल कर सकते हो, ठीक है। अब ये नीचे आप देख रहे हो डाउन, जैसे मैंने तीन फोटोज़ पे क्लिक किया लास्ट वाली, अभी डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो ये डाउनलोड पे जैसे ही करूँगा वैसे ही दो ऑप्शन और आते हैं कि 2 मेगापिक्सल पे करनी है या ओरिजिनल करनी है, या ओरिजिनल आपको करनी है। तो मैं अभी थोड़ी ओरिजिनल फाइल जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो मैं 2 मेगापिक्सल पे कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो मैंने 2 मेगापिक्सल पे कर दी है, तो देखिए 2 मेगापिक्सल पे करते ही मैंने जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये तीनों फोटोज़ आ चुकी है मेरे फ़ोन में, ठीक है। अब स्नैपड्रैगन के अंदर ही देखना है, जो जो फोटोज़ आपने डाउनलोड करी है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये देखिए मैंने 3 बार 2 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ कैप्चर कर ली है, तो ये 3 बार आ गया है, क्योंकि बीच में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी कनेक्टिविटी में, तो मेरे को पता ही नहीं लग रहा था, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेंड कर रहा था, तो मैं सोच रहा था हो नहीं रही है, लेकिन ये काफ़ी जल्दी कर रहा था इसलिए हो रही है। तो ये 3री बार भी मैंने अब कर ली है, ठीक है। अब जैसे आपको वापस अगर मैं दिखाना चाहूँ तो लाइव 3 बार जैसे मेरे हो चुकी है, और अब जैसे मैं एक ये फ़ोटो कर लेता हूँ, ठीक है, और जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, ये मेरे हाथ पे बार बार मैं फोकस कर रहा है कैमरा, तो डाउनलोड 2 मेगापिक्सल, तो ये हो भी चुकी है लगभग, मुझे शायद हो सकता है ओरिजिनल पे क्लिक हो गया है मेरा। खैर जो भी होगा आपको दिख जाएगी अभी जो भी फ़ोटो डाउनलोड हुई है, ठीक है, ये हो गई है। अब जो फ़ोटो ये देखिए ORG लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो क्लियर, ORG का मतलब हो गया ये ओरिजिनल फाइल डाउनलोड हो गई है, 2 मेगापिक्सल वाली नहीं हुई, ये 2 मेगापिक्सल वाली है, ये ओरिजिनल है। तो ये फ़ोटोज़ मेरे स्मार्टफोन में आ चुकी है। अब जो भी फ़ोटोज़ आई है इसमें, तो स्नैपड्रैगन में तो यहाँ पे दिखा रहा है, और आप अपनी गैलरी में भी इनको देख सकते हो, तो मैं एक बार गैलरी में भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो भी फोटोज़ ये देख सकते हो गैलरी में यहाँ पे आ गई है। अगर एल्बम की बात करूँ तो एल्बम में स्नैपड्रैगन का एक अलग से बन रहा होगा एल्बम, और फोटोज़ स्क्रीनशॉट ये देखिए, जो ये सारी फोटोज़ है ये मेरी गैलरी में ही शो कर रही है, स्नैपड्रैगन का मेरे में अलग से फोल्डर नहीं बन रहा है, तो वॉल में ही ये दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी फोटो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी फ़ोटो। अब दूसरी बात करते हैं कि कैमरे को ऑपरेट कैसे कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए रिमोट फोटोग्राफी लिखा हुआ है, तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे, आपने ओके किया, फिर ये वाईफाई से एक बार कनेक्ट होगा, और आपके जो कैमरे की जो पूरी स्क्रीन है वो आपके स्मार्टफोन के अंदर ही आ जाएगी, मतलब आप रिमोटली भी फोटोग्राफी कर सकते हो। जैसे 2-3 मीटर दूर आपने कैमरे को रख लिया, और फिर आप अपने स्मार्टफोन से ही उसको ऑपरेट कर सकते हो। कई बार ऐसी फ़ोटोज़ के लिए कि आपका जैसे ग्रुप फ़ोटो, फैमिली फ़ोटो वगैरह आप यूज़ करते हो, तो उसके लिए कर सकते हो। कनेक्ट पे क्लिक कर दिया है मैंने, तो ये अब रेडी हो गया है रिमोट फ़ोटोग्राफी के लिए। ये देखिए, तो ये फोकस नहीं कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ से फोकस भी करवा सकता हूँ। ये देखिए, ये फोकस कर लिया, यहाँ फोकस करवाना चाहूँ मैं, यहाँ फोकस करवा सकता हूँ मैं, जिधर भी चाहे वहाँ फोकस हो जाएगा। लेकिन आई ट्रैकिंग पे लगा हुआ है अभी, तो ये जो भी सब्जेक्ट आ रहा है इसकी आई को फोकस कर रहा है,
तो मैं कुछ दूसरा सब्जेक्ट ले आता हूँ इसके सामने, अब ये देख सकते हो ये मेरे मोबाइल का कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, देख सकते हो आप, मैंने तो फ़ोन इधर रख दिया है, और ये स्मार्टफोन का कैमरा जो भी मेरा कैमरा है वो वर्क कर रहा है, मोबाइल फ़ोन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें सारे ही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे फ़ोटो क्लिक करनी है यहाँ पे ऑप्शन है, इसी की वीडियो बनानी है तो यहाँ पे आप वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, 29 मिनट 59 सेकंड की आप वीडियो भी कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, और जो भी मैनुअल कंट्रोल है वो भी आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, जो आप लाइव देख सकते हो। जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, तो ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया शटर स्पीड, हो गया अपर्चर, हो गया एक्सपोजर, हो गया ISO, हो गया वाइट बैलेंस, हो गया और भी कुछ सेटिंग्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे देखिए शेल्फ टाइमर आपको लगाना है, ऑफ रखा हुआ है, डाउनलोड पिक्चर की क्वालिटी कितनी होनी चाहिए वो भी आप कम ज़्यादा करना चाहो वो आप कर सकते हो, तो वो सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ठीक है, जैसा कि आप क्लियर देख सकते हो, आपको लाइव व्यू करना है तो जो भी है, जैसे मैं आपको सपोज़ यहाँ से अभी देखिए ये सामने रखा हुआ है, ये देखिए मैं जैसे ही कैमरे को सेट कर रहा हूँ, मैं फ़ोन को नहीं हिला रहा हूँ, कैमरा हिला रहा हूँ, तो ये भी उसी हिसाब से अलग अलग एंगल पे सेट हो रहा है, ये देखिए। तो अभी मैंने जैसे फिक्स बीच में कर दिया इस सब्जेक्ट को, ठीक है, अब मैं मोबाइल से ही आपको ये कैप्चर करता हूँ। तो देखिए ये कैप्चर भी इमेज हो चुकी है, अगर आपको वीडियो बनाना है तो वीडियो भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक तो फ़ोटो जो आई है वो मेरे मोबाइल में सेव हो गई है और एक मेरे कैमरे में सेव हो गई है। तो ऐसे करके आप फोटो भी कैप्चर कर सकते हो, और कैप्चर करने के साथ साथ सारा आप ऑपरेट भी कर सकते हो, शटर अपर्चर ISO। जैसे मैं तो कुछ सेट करके दिखाता हूँ आपको, सपोज़ मैं शटर स्पीड को सेट करके दिखाता हूँ, जैसे मेरी 1:80 थी ये शो कर दी है मैंने, अपर्चर थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ 5, 6, 7, ये देखिए तो मेरा सब्जेक्ट भी धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है। ठीक है, 9, 10, और अगर मैं सपोज 25, तो आप ऐसे करके सारा ISO अपर्चर वगैरह यहीं से आप ऑपरेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए ऐसा ही, आशा करता हूँ आप हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको लास्ट इसमें ऐड करना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है, ये सब काम करने के बावजूद भी आपका कैमरा कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए बहुत काम में आने वाली चीज़ है, ये सारा सब कुछ जो मैंने बताया उसके करने के बावजूद भी कैमरा कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं कि जो भी आप वाईफाई में जाओगे, जैसे कनेक्ट नहीं हो रहा है तो मैं मेरे वाईफाई में गया और वाईफाई में देखिए मेरे पहले से ऑलरेडी 4 कनेक्टिविटी चल रही है, ये सेंटोसा वाली है, जियो नेट है, जियो 5G है और Z50 जो कनेक्ट हो रखा है वो है। कई बार ये ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है तो भी कैमरा पेयरिंग नहीं कर पाता है, तो अगर आपके ऐसा हो रहा है कि सब कुछ करने के बावजूद भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो पहले ये जो ओल्ड कनेक्टिविटी है इनको आप सबको डिलीट कर दीजिए यहाँ से क्लिक करके, और अनपेयर कर दीजिए, फॉरगेट कर दीजिए, अनपेयर का ऑप्शन आ रहा है तो अनपेयर कर दीजिए और इसको बिल्कुल क्लीन रखिए। सेम यही चीज़ आपको ब्लूटूथ में भी करनी है, मैं जैसे ब्लूटूथ पे जाता हूँ तो भी यहाँ पे आप देखिए ये आईफोन से आ रहा है, पल्स से आ रहा है, sRGB से आ रहा है, मेरी कम से कम 7-8 कनेक्टिविटी ब्लूटूथ से अभी रेडी है। अब जैसे मान लीजिए मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ Z50 वाला, तो मैं यहाँ से इसको अनपेयर कर देता हूँ, तो ऐसे ही ये ज़्यादा भर जाता है तो भी ये कनेक्ट नहीं हो पाता है कई बार, तो पूरा अनपेयर करके क्लीन कर लीजिए सब कुछ, मतलब कोई कनेक्टिविटी अब प्रेजेंट टाइम में आपके फ़ोन में नहीं है तो ये फिर कोई दिक्कत नहीं देगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।